फिल्म का जो सॉन्ग है अल्लाह दुहाई है, उसकी जो इंट्रो रिफ है और बहुत अच्छी रिफ है, बहुत आइकॉनिक रिफ है। इसमें लिगाटो स्टिकाटो जैसी टेक्निक का यूज है और वैसे एफ माइनर में है। अगर आप क्लोजली सुनोगे तो एफ माइनर सिमिलर सुनाई देगा, बिल्कुल एफ के क्लोज सुनाई देगा। और ई में भी पर्सनली मेरा प्रेफरेंस ई में प्ले करता हूँ मैं अपने फॉर माई फन फॉर माई यू नो माई प्लेइंग। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। ओके सो जैसा कि मैंने बताया ये रिफ एफ माइनर में है और यहीं से मैंने ट्यूटोरियल में भी प्ले करके दिखाया। सो ये स्टार्ट होगी आपके ए स्ट्रिंग के 7th फ्रेट से। यहां पर आप पावर कॉर्ड का शेप बनाएंगे। पावर कॉर्ड अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप 7 पे यहां रख के इंडेक्स फिंगर 2 फ्रेट आगे और 1 स्ट्रिंग नीचे अगर यहां अपने फिंगर रखेंगे तो ये 2 नोट्स से बजने वाली कॉर्ड पावर कॉर्ड कहलाती है। ये इस केस में ये एफ माइनर पावर कॉर्ड कहलाएगी क्योंकि ये नोट एफ है जो कि इसका रूट नोट है। अच्छा, पावर कॉर्ड प्ले करते वक्त हम लोगों को जो 2 स्ट्रिंग्स प्रेस करी हैं उन्हीं को प्ले करना होता है, बाकी सारी स्ट्रिंग को म्यूट करना होता है। कुछ लोग पावर कॉर्ड में 3 स्ट्रिंग मतलब 3 नोट्स भी लगाते हैं जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ रिफिंग के पर्सपेक्टिव से 2 नोट काफी होते हैं, वो कॉर्ड का फील दे देता है। सो यहां से शुरू करेंगे हम। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने ऐसा रखा हुआ है कि ना ये स्ट्रिंग प्ले हो या ना ये नीचे की स्ट्रिंग्स प्ले हो, बस ये 2 कौन सी डी और ए स्ट्रिंग जो कि कौन कौन से नोट पर सेट है। अभी एक इंडेक्स पे एफ रखा हुआ है, दूसरा ये रखा है सी नोट जो कि बन गई है एफ पावर कॉर्ड। ठीक, तो ये हम प्ले करेंगे सबसे पहले कैसे। अब ये पैटर्न 1 by 1 वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं लेकिन बाय ईयर ही अगर आप इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो बेस्ट रहेगा। जैसे कि एक बार प्ले किया फिर यहां से म्यूट कर दिया हमने, यहां से या इस हाथ से भी, इस हाथ से भी आप म्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर यहां मैं इससे म्यूट करूं तो मुझे उठाना पड़ेगा, अगर मैं इस हाथ से म्यूट करूं तो मुझे यहां पर रखना पड़ेगा इसको स्ट्रिंग्स के ऊपर, जैसे पाम म्यूटिंग में रखते हैं, लेकिन ये म्यूट नहीं होगा, टोटल म्यूट होगा ये। ठीक, ओके सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका पहला फ्रेज हो गया इसमें। ठीक, तो अगला फ्रेज इसमें आता है जिसको जो बेसिकली एक पेंटाटोनिक का छोटा सा हिस्सा है एफ माइनर पेंटाटोनिक पे। वो कैसे प्ले होता है, वो ऐसे होता है। इसको कैसे प्ले करेंगे, इसको प्ले करने के लिए आप अपनी बेसिकली 3rd फिंगर यूज कर सकते हो। उससे होगा क्या कि उससे बाकी नोट्स प्ले करने में आसानी होगी, कोई और भी फिंगर यूज करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मे बी। What I do is कि मैं सिंपली अपनी थर्ड फिंगर यूज करता हूँ। आप स्लाइड करो ई स्ट्रिंग मतलब सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग के 8th फ्रेट पे, और स्लाइड कहाँ से करना है वो कहीं से भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये इसमें कहीं से भी कर सकते हो एक तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले ये ई स्ट्रिंग का 8th फ्रेट, फिर ए स्ट्रिंग का 6th फ्रेट, फिर 7th फ्रेट के बाद ए ही स्ट्रिंग का 8th फ्रेट, एक्चुअली 6th के बाद 8, फिर वापस से 6 और 8। तो अगर एकदम सादा प्ले करूं मैं तो इसको कैसा सुनाई देगा, और आखिरी में वाइब्राटो। वाइब्राटो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम्ड है इसलिए आराम से तो नहीं, थोड़ा रिफी टाइप वाइब्राटो चाहिए यहां पे फील के लिए। और इसके बाद ये चीज जिसमें बेसिकली आप स्ट्रिंग को प्ले करके अपना पूरा ही हाथ इस पे रख के पीछे ले जाते हो, एक बहुत सिंपल इफेक्ट है जो आपको ऑलमोस्ट हर जगह सुनाई देगा। डिस्टॉर्शन के ऊपर ये चेंज हो जाता है इस तरह से कुछ। ठीक है, तो एक बार फिर से उस फ्रेज पे आएंगे।
अच्छा, इस फ्रेज में एक टेक्निक है जिसको स्टेकाटो बोलते हैं। अगर आप वो टेक्निक यूज करोगे तो इसकी फील प्रॉपर आएगी जैसे कि एक्चुअल गाने में है। स्टेकाटो क्या होता है? स्टेकाटो ये होता है कि जब आप किसी नोट को प्ले करो लेकिन आप उसको रोक दो प्ले करते करते। अब स्टेकाटो के दो तरीके हैं, या तो आप इस हाथ को उठा लो, अगर आप इतना एक्यूरेटली कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि आप जो पिक है इस पिक को यहाँ पे अड़ा सकते हैं। इस हाथ को रखे हुए ही इस पिक को आपको अड़ाना होगा यहाँ पे, तो नोट रुक जाएगा। ऑल इन ऑल वी आर कंसर्न विद द इफेक्ट जो कि होना है। वो इफेक्ट ये है कि नोट बजते हुए रुक जाए, टाइटनेस आ जाए नोट में एक तरीके की। जैसे कि विदाउट स्टेकाटो कैसा सुनाई देगा और विथ स्टेकाटो, वैसे भी हम लोग करते हैं ये सारी टेक्निक, बस हम नाम नहीं जानते इनके। नाम जानना अच्छा होता है थोड़ा सा कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, इसी पार्ट को विदाउट स्टेकाटो एक बार प्ले करें और विथ स्टेकाटो, तो विथ स्टेकाटो वी विल गो। अच्छा, तो अभी तक हमारा कहां तक हुआ है एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूं स्लोली। ठीक, हम अब अगला पार्ट जो है वो सेम है, बस उसमें ये स्टेकाटो वाला पोर्शन छोटा सा नहीं आएगा। फिर से सेम पार्ट को हमको प्ले करना है। ठीक है, तो तीनों चीजों को मिला के कितना हो गया हमारा? यहां तक ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो पार्ट है जो कि बेसिकली श्रेडिंग टाइप से पार्ट है वो, और काफी अच्छी चीज है वो, एक्चुअली बहुत बेसिक है। अगर आप थोड़ा श्रेडिंग का थोड़ा सा नॉलेज रखो तो वो चीज आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, यहाँ से आप अपनी श्रेडिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं इस लिक से। इसको लिक बोलेंगे, इस रिफ के अंदर ये एक लिक है छोटी सी। कैसी जाती है ये? ऐसी जाती है। फास्ट में प्ले करूं इसको यहां तक पूरी रिफ को, तो ये रिफ ऐसी सुनाई देगी। अब इस पार्ट को हम ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये वैसे तो एफ माइनर स्केल के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इसको पूरी एफ माइनर स्केल सीख लोगे तो ये स्केल कुछ ऐसी जाती है यहां से, फोर्थ फ्रेट ई स्ट्रिंग के। Sake of this riff, हम यही पोर्शन सीखेंगे जो इस रिफ में बजाया गया है। ठीक है, अच्छा, अभी पहले मैं आपको नोट्स बता देता हूं, आप वो पहले देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस रिफ को एग्जैक्टली वैसे इम्यूलेट कैसे करना है जैसा कि इस सॉन्ग में है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मतलब 5 6 8 6 5। ठीक है, फिर इसके बाद हम यही सेम पैटर्न इसके ऊपर वाली स्ट्रिंग पे प्ले करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग होगा। कैसे? मतलब क्या? बेसिकली यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैटर्न आपको चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये पैटर्न आपको अपने आप से थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा, मैं बहुत स्लोली प्ले करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 5 6 8 6 5 8 6 5 6 8 6 5। ठीक है, फिर हम अगले ऊपर वाली स्ट्रिंग पे मूव करेंगे, वहां पे क्या प्ले करते हैं हम? वहां पे 8 6 4 8 6 4 5 sorry 8 6 4 6 8 6 4। कैसे? एक बार नीचे से प्ले करके दिखा रहा हूं मैं वापस से, आप देखना ध्यान से। यही एग्जैक्ट सेम चीज हम इसके ऊपर वाली मतलब कि ई स्ट्रिंग पर प्ले करेंगे। ओके, तो धीरे से एक बार स्लोली मैं ये वाला पैटर्न फिर से आपको प्ले करके दिखाऊंगा कैसा।
इस सब के बाद आखिरी में एक नोट और आता है जो कि वैसे अगर आप नहीं भी प्ले करोगे तो रिफ की फील में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो डेफिनेटली बता पाएगा कि हाँ उसने ये नोट नहीं प्ले किया है। तो वो नोट है ये बेसिकली, कैसे और फिर इसके बाद आती है फाइनल हमारी एफ कॉर्ड, ये पैटर्न कैसा डाउन, मतलब डाउन डाउन अप अप या जैसे भी आप उसको प्ले करें बेसिकली जो वाइब है वो सेम रहनी चाहिए। अच्छा बीच में खाली रेकिंग, खाली थोड़ी रेकिंग भी है उसके अंदर, ठीक है। फील से ही बेस्ट डिकोडिंग है, अगर आप बस इस चीज का भी इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जाएंगे तो वो मेरे ख्याल से पर्सनली गिटार ग्रोथ के लिए इतना अच्छा नहीं है, फिर ऑलमोस्ट हर चीज बतानी पड़े तो वो सही भी नहीं है इतना, ठीक है। ये पैटर्न कोई भी डिकोड कर सकता है अगर कोई ध्यान से सुने और प्रैक्टिस करे तो, ठीक। तो एक बार अपन फिर से ये वाली फाइनल लिख पे आ जाए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि इसको प्ले कैसे करना है एग्जैक्टली गाने जैसा। ठीक है, अब गाने में जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसमें एक्चुअली लिगाटो से किया हुआ है आई थिंक ये वाला पोर्शन। लिगाटो मतलब क्या होता है, जैसे स्टिकेटो में मैंने बताया कि नोट को रोकना होता है, लिगाटो मतलब ये होता है कि जब आप पिक का यूज ना ही करें और एक बार पिक का यूज करें बेसिकली और फिर वो चलते हुए मोमेंटम को आप यूज करते हैं नोट्स को बढ़ाने के लिए, चलने के लिए। अच्छा लिगाटो के लिए वैसे तो यूज होता है डिस्टॉर्शन, लेकिन आप बिना डिस्टॉर्शन के भी लिगाटो कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा जिन लोगों की फिंगर्स स्ट्रांग हो जाती है वो इवेंचुअली कम डिस्टॉर्शन में भी लिगाटो कर पाते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लिगाटो के साथ ये लिक कैसी साउंड करेगी। अभी मैं अपने गिटार की वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, डिस्टॉर्शन आ जाएगा और उसी में आपको सुनाई देगा कि लिगाटो के साथ फील कैसे चेंज हो जाती है इस फ्रेज की, जब मुझे पिक सिर्फ एक ही बार करना है, या तो मुझे हर स्ट्रिंग पे एक बार पिक करना है या लिटरली मुझे पूरे लिक में सिर्फ एक बार पिक करना है जो कि पहले नोट पे होगा, ठीक है। तो ऐसा साउंड आना चाहिए। एक और बार थोड़ा स्लो, जितना भी है एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूं, ठीक है। और इस बार मैं थोड़ा गेन के ऊपर ही प्ले करके दिखा रहा हूं ताकि फील बने रहे और आप ये देख सको कि एग्जैक्टली फील कैसे लाना है वाली जो गाने में है, ठीक है। एक बार और थोड़ा स्पीड में, लास्ट पार्ट जो कि इस रिफ का लास्ट पार्ट है, उसके बाद वो लिक आ जाती है जो मेन रेस की थीम है जिसको मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। और तो देख लेते हैं ये वाला पार्ट कैसा है आखिरी वाला। देखिए ये हो गया, कैसे प्ले करना है। सबसे पहले तो हमारा ये सिग्नेचर जो है इस सॉन्ग की जो सिग्नेचर टाइम जो है वो हम प्ले करेंगे, फिर जो तीसरा वाला स्ट्रोक है, बेसिकली तीसरा वाला स्ट्रोक आता नहीं है सेकंड वाले पार्ट में, जब इसको दूसरी बार रिपीट करते हैं जो तीसरा वाला स्ट्रोक है वो स्ट्रोक नहीं है, रादर वहां से नोट शुरू हो जाता है। कौन सा नोट, इस केस में थर्ड फ्रेट जो कि एफ माइनर स्केल की सेकंड डिग्री है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये सेकंड डिग्री से शुरू हो रहा है एफ माइनर स्केल की। अभी वी आर कंसर्न्ड विद द रिफ एंड नोट्स, तो हम सिर्फ इसी की बात करेंगे ज्यादा। तो कैसे, ये है फ्रेज, ठीक है। एक बार धीरे से मैं प्ले करूंगा स्लोली, आप एक बार नोट्स देखो क्या है, फिर उसके बाद मैं एक बार फ्रेट्स भी बता दूंगा क्या क्या फ्रेट्स पर है ये, वैसे देख के डिकोड हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर वापस से इसके बाद अगर आप पूछो क्या है तो इसके बाद
यही चीज आती है। इसी को इस ऑर्डर में प्रैक्टिस करके जब आप मेट्रोनोम पर प्रैक्टिस करोगे तो एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा ये पोर्शन। थोड़ा इंट्यूशन अगर लगाओगे तो वैसे भी फील आ जाएगी कि ये फिक्स हो जाना चाहिए। तो क्या क्या नोट्स हैं? ई स्ट्रिंग पे थर्ड, फिर ई पर ही फोर, फिर ए स्ट्रिंग पर फर्स्ट, फिर 3 1 4 3। 3 1 4 3 मतलब 3 और 1 ए के, 4 और 3 ई के। एक बार स्लोली फिर से प्ले करता हूं, आप इस बार ध्यान से देखना और बार डिकोड कर ही लेना क्या है। ठीक है, ये फाइनल पार्ट एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूं वो लिगाटो के जस्ट बाद से। ये था हमारा इस रिफ का पार्ट वन, और आगे पार्ट टू में अगला पोर्शन में कवर करूंगा रेस की जो मेन थीम है। और अभी मैं जितना आपको बताया एक बार स्लो में थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ, इससे आपको एक एक नोट और एक एक चीज क्लियर और हो जाएगी कि ये है। और बेसिकली और इसकी इस लेसन के अगर आप मैसेज में कमेंट्स में रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इसके टोन पर भी एक लेसन बनाऊंगा अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आती है तो, कि एग्जैक्टली वो गाने वाली टोन कैसे लाई जा सकती है, कौन सा पर्टिकुलर गिटार, कौन से पिकअप्स उस टोन के लिए ज्यादा परफेक्ट रहेंगे एक तरीके से। तो अभी मैं प्ले करके दिखा देता हूँ जो भी मैंने बताया स्लो में, और गेन बिना गेन के, थोड़ा कम गेन के साथ में। ठीक है, थोड़े गेन के साथ Thanks for watching.